किडनी के स्ट्रक्चर से देखो, नाम बता रही हूँ, उसके बाद इसके डिटेल के ऊपर आएंगे. फर्स्ट इज रीनल पेरेन्काइमा, द सेकंड इज रीनल साइनस. पहले मैंने वर्ड बोला है रीनल पेरेन्काइमा. बच्चों किडनी का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बना हुआ दिखाया गया कि एक आउटर है रीजन, एक इनर रीजन है. आउटर रीजन का क्या नाम था? कॉर्टेक्स के मेड्यूला, कॉर्टेक्स. जी आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज मेड्यूला. ये कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग रीनल पेरेन्काइमा. ठीक है, अब मैंने आगे वर्ड लिख दिया रीनल साइनस. भाई ये अंदर की कोई स्पेस है, अंदर की कोई स्पेस है जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज हैं. इस स्पेस को मैंने कह दिया रीनल साइनस. मैंने कहा इस साइनस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज हैं, पड़े हुए हैं. स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? रीनल कैल्सीज, रीनल कैल्सीज, रीनल पेल्विस, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड फैट. ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर इज कैप्सूल्स और कवरिंग ऑफ द किडनी. भाई मेरी किडनी की प्रोटेक्शन के लिए भी इसके इर्द गिर्द लेयरिंग है, जिसको मैंने कह दिया कवरिंग्स ऑफ द किडनी. ठीक है, यहाँ कैप्सूल्स कह दिया. इसकी ये पूरा एक अलग से चैप्टर है पॉइंट नंबर 3 के ऊपर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों अब आ जाओ रीनल पेरेन्काइमा के ऊपर. रीनल पेरेन्काइमा जी, दिस इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द किडनी, आपको पता है. दैट इज़ कम्पोज ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, दैट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी, दैट इज़ कम्पोज ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी, दैट इज़ द रीनल मेड्यूला. ठीक है, रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला मैंने कह दिया दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी. अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को गौर से देखो, आपका ये जो बच्चों रीनल मेड्यूला है, इधर आपको पिरामिड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं. अच्छा, इट मीन्स माई रीनल मेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा, अगर मैं बात करूँ रीनल मेड्यूला की, ठीक है, रीनल मेड्यूला मैं कह सकती हूँ इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड्स. ठीक है, मैंने कितने पिरामिड्स इधर बना कर दिखाए? 7. दैट कैन बी 7 to 8 इन नंबर, दैट कैन बी 7 to 8 इन नंबर. अब जी ये जो पिरामिड्स इसने बनाए हैं, दीज आर द रीनल पिरामिड्स. रीनल सिस्टम के अंदर है ना, सो दीज आर दी रीनल पिरामिड्स. सो बच्चों रीनल पिरामिड्स की अगर मैं बात करूं, पिरामिड शेप्ड के हैं. ठीक है, कितने नंबर हैं, कितना काउंट है? 7 से 8. आपने जब भी किडनी ड्रॉ करनी है, इसका अंदर का जो काउंट होगा दैट विल बी 7 to 8. ठीक है जी, जब मैं अपनी नेफ्रॉन को देखूँ ना, अब देखो ये किडनी है. ठीक है, आपको यहाँ पर किडनी नज़र आ रही है ना, दिस इज़ किडनी. किडनी को अब मैं मैग्नीफाई करके देखूं, ठीक है, मैंने देखा जी किडनी के दो रीजन्स आ गए हैं. अब मेरी यहाँ पे नेफ्रॉन ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे है ना, देखने में कुछ ऐसा ऐसा करके पड़ा हुआ है. भाई मेरी नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर आता है और कुछ हिस्सा मेरा मेड्यूला के अंदर आता है. इस तरह से आपकी नेफ्रॉन पड़ी है और नेफ्रॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं. ठीक है, फिर ही तो एक पूरा सिस्टम चलता है ना. बच्चों अब जी मेरी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो आपके कॉर्टेक्स के अंदर आता है? देखो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग पार्ट, तो अंडरस्टूड से बात आएगा ना. दैट विल बी ग्लोमेरुलाए, दैट विल बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब. ये दोनों पार्ट्स मेरे इसके अंदर आ गए. अब ऐसा लग रहा है ना, अच्छा मैंने कहा ना ये स्टार्ट के पार्ट्स आ गए हैं, कुछ एंड के नेफ्रॉन के एंड के पार्ट्स भी इसके अंदर अभी आने वाले हैं. ठीक है भाई, नेक्स्ट में आ जाओ. अभी देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ. विच पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल लाइज इन द रीनल मेड्यूला? रीनल मेड्यूला के अंदर बच्चों आपके पास लूप ऑफ हेनले पड़ी है, आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पड़ी हैं. अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट, और मैंने वर्ड लेकिन बोला है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स में डिफरेंस है क्या? छोटी होंगी, गुड. डक्ट बड़ी होगी, गुड गुड. बच्चों नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ. नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर देखो, नेफ्रॉन दिखाई गई है. ठीक है, नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन आपको दिखाई गई है.
कॉर्टेक्स के अंदर फिलहाल जो मैं स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखो, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूलस के अंदर आ रहा है, आउटर मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले आ रही है, मेड्यूला में लूप ऑफ हेनले आ रही है, ओके जी। इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा अब जी अभी मेरे पास वर्ड रह गया कलेक्टिंग डक्ट का कि वो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है वो अभी रहता है। इससे पहले मुझे बताओ कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में डिफरेंस है। अपनी राइट साइड की डायग्राम देखो, मैंने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब्स को हाईलाइट कर दी है। अच्छा जी बच्चों मेरे पास बेसिकली मैं कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दो वर्ड से पढ़ रही हूँ ना, दीज आर अंडर अ सिस्टम दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम। कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या कर रही हैं बेसिकली, यहाँ डायग्राम में भी अगर देखो तो आपको पता है आपके नेफ्रोन के पार्ट्स हैं ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल्ड जो बाद में आती है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बेसिकली आपकी ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये ज्वाइन कर रही हैं आपके डिस्टल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को टू द कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी सी नाली के साथ, क्लियर है। अब जी ये जो कलेक्टिंग डक्ट है बेसिकली ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंट नेफ्रोन्स आके एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ कितनी नेफ्रोन्स आकर मिलती हैं, 6 से 7, ठीक है। इधर आपके कितना काउंट लिखा है, 6 मिलती हैं, क्लियर है। 6 नेफ्रोन्स आपकी ड्रेन कर जाती हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अच्छा जी अब जी कलेक्टिंग डक्ट ने क्या कर दिया, कलेक्टिंग डक्ट मर्जिस द बेस ऑफ द पिरामिड टू फॉर्म द रीनल पैपिला। मैं जी इस स्ट्रक्चर तक आ गई, यहाँ पे जी मेरी नेफ्रोन अब कैसे पड़ी हुई है, देखो ये नेफ्रोन ऐसे पड़ी हुई है। मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स के अंदर भी आ रही है और मेड्यूला के अंदर भी बेसिकली आ रही है, ठीक है। मेरी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं मेरी इस पिरामिड के बेस पर आकर क्या कर रही हैं, एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। मेरी कलेक्टिंग डक्ट्स डिफरेंट नेफ्रोन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिली, किस पॉइंट पर आके मिली, भाई बेस ऑफ दी पिरामिड्स। जब ये मिल गई इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर का नाम है रीनल पैपिला, क्लियर। रीनल पैपिला ऑथर ने कैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, स्ट्रक्चर को ऐसे बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज रीनल पैपिला, क्लियर। अब जी रीनल पैपिला भाई आपका रीनल पैपिला ने क्या करना है, भी अब इसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता जा रहा है ना, यूरिन की फॉर्मेशन साइड बाय साइड होती जा रही है क्योंकि नेफ्रोन ने सारा काम कर दिया। अच्छा फ्रॉम द पैपिला यूरिन विल ड्रेन इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जी सारी मेरी कलेक्टिंग डक्ट्स आकर मिली, ठीक है, सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आकर मिली। मेरे ऑथर ने इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे ही है ना, सारे स्ट्रक्चर्स मिले, इन्होंने मिलकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दे दिया, कैल्सीज, कैल्सीज। ये जो इसको मैंने कह दिया माइनर कैल्सीज, छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स भी एक दूसरे से मिलेंगे और एक बड़ा कप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको मैंने कह दिया मेजर कैल्सीज, ठीक है। मेरी कलेक्टिंग डक्ट मिली, कलेक्टिंग डक्ट ने मिलके पैपिला बना दिया, पैपिला ने मिलके माइनर कैल्सीज बना दी कप लाइक स्ट्रक्चर, माइनर कैल्सीज ने मिलके मेजर कैल्सीज बना दी, क्लियर। अब जी हम लोग यहाँ पर आ गए कैल्सीज के अंदर तक, यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। सबसे पहले देख लें कि कैल्सीज पड़ी कहाँ पर हुई है, ठीक है बच्चों। ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं या आपके किडनी के अंदर एक स्पेस है, आपकी किडनी में एक स्पेस है जहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, इस स्पेस को मैंने कह दिया दैट इज़ द रीनल साइनस। इस स्पेस की फिलिंग स्ट्रक्चर्स के साथ है, प्लस इसके अंदर ये बेसिकली दिस इज़ फिल्ड विद द फैट, तो मैंने कह दिया दिस इज़ फैट फिल्ड कंपार्टमेंट
दैट इज लोकेटेड इन द मिडल एस्पेक्ट ऑफ दी, दैट इज लोकेटेड इन दी मीडियल, मिड में है ना, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दी किडनी, क्लियर। अच्छा जी, रीनल साइनस के अंदर जी आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, कैल्सीज मिल रही हैं, कैल्सीज आर मेजर एंड दी माइनर वंस। आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं मेजर कैल्सीज ने क्या किया, बेसिकली दीज आर फॉर्मिंग, नेक्स्ट दे आर फॉर्मिंग दी पेल्विस, पेल्विस कैसे बनी इसके ऊपर आएंगे। फिलहाल जी मेरा ये जो साइनस है इसके अंदर कैल्सीज हैं, इसके अंदर पेल्विस है, अंडरस्टूड सी बात है। इधर मेरे पास वेसल्स की सप्लाई भी है, आई हैव वेसल्स, आई हैव नर्व्स एज वेल, क्लियर। सो बच्चों नेक्स्ट डायग्राम में आपको मेजर एंड माइनर कैल्सीज नजर आ रही हैं, ओके, दीज आर कप लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जी मैंने आपको जब लंग्स पढ़ाए थे, मैंने लंग्स में भी कहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रक्चर्स की एंट्री और एग्जिट हो रही है, उस पॉइंट को मैंने क्या कहा था, उस वेज शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा था, हाइलम। भाई इसी तरह किडनी के अंदर भी मीडियल साइड पे भी देर इज अ पॉइंट जहाँ पे स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, जहाँ से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जो जिस स्पेस के अंदर जा रहे हैं उस स्पेस को मैंने साइनस कह दिया। जिस पॉइंट पे आपके पास ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बना है उस एंट्री एग्जिट पॉइंट को मैंने कह दिया दिस इज दी हाइलम, क्लियर। अच्छा जी बच्चों रीनल पेल्विस रह गई अब हम लोगों की, यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों पहुँच गए थे मेजर कैल्सीज तक। अच्छा फिलहाल जी ये पॉइंट आप लोग याद रख लो, आपकी रीनल पेल्विस हाइलम के अंदर पड़ी हुई है, पेल्विस, पेल्विस इज विद इन दी हाइलम। अब जी पेल्विस के बाद आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है, पेल्विस को भी मैंने डिस्कस करना है, यूरीटर, ब्रीक साब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ गया ना, यूरीटर। अच्छा पेल्विस के बाद आती है ब्रीक सी नालियां जिसको मैंने कह दिया यूरीटर। अच्छा क्या मैं कह सकती हूँ कि पेल्विस इज दी अपर, पेल्विस इज दी अपर एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द यूरीटर, ठीक है, दिस इज द अपर एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द यूरीटर। अब ये जी यूरीटर किसके साथ कनेक्ट कर रहा है आगे जाके, ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो जी नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड साइनस, साइनस इज अ कैविटी, फैट फिल्ड कैविटी, ओके, जिसके अंदर जिस स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, और स्ट्रक्चर्स कौन से है, पेल्विस, कैल्सिस, वेसल्स, नर्व्स। व्हाट इज हाइलम, एंट्री, गुड, दिस इज द एंट्री एंड द एग्जिट साइड जहाँ से स्ट्रक्चर से गुजर रहे हैं, ओके जी। बच्चों मेरी ये जो मैं कह दूँ मेरी ये जो हाइलम है दैट इज एट द मीडियल ऑफ द किडनी, दिस इज एट द मीडियल ऑफ द किडनी, क्या ये मेरी किडनी की मीडियल साइड कनकेव है या कन्वेक्स है, कनकेव है, मेरी जो किडनी का आउटर बॉर्डर है कनकेव है कि कन्वेक्स है, आउटर बॉर्डर, दिस बॉर्डर, कनकेव कैसा होता है, ये क्या होता है, जो आउटवर्ड आएगा दैट इज कन्वेक्स, एक्स एक्स, जो अंदर को है दैट इज कनकेव, ठीक है। अच्छा जी बच्चों ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।